भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी का 82 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। अंतिम संस्कार के लिए गुना इंदौर से परिवार हुआ रवाना। आज शहर और देश भर में शोक की लहर छाई हुई है। इसकी वजह है भारत के मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी, जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। लाहोटी की प्रारंभिक शिक्षा गुना से हुई। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के आर्य पोधार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कानून की पढ़ाई होलकर कॉलेज इंदौर से की, जिसमें उन्होंने टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत के पूर्व न्यायाधीश के भाई के लाहोटी भी न्यायाधीश हैं और उनके छोटे भाई जी के लाहोटी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स में से एक हैं, जिनका शहर में एक निजी अस्पताल भी है। न्यायाधीश लाहोटी को कानूनी परिवेश में विरासत में मिला था। उनके पिता रतनलाल लाहोटी एक प्रसिद्ध वकील थे। वो वकालत में वैचारिक और मूल्यों के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ वो एक प्रतिबद्ध गांधीवादी और अपनी जवानी से लेकर अंतिम समय तक उन्होंने केवल खादी का ही इस्तेमाल किया। न्यायाधीश लाहोटी के निधन पर शहर की जनता के साथ साथ कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना मध्य प्रदेश के गौरव पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी के दुखद निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। सिंधिया परिवार का उनसे काफी करीबी परिचय था। हमारे पहुंचने के पहले श्री लाहोटी साहब ऑफिस में बैठे स्टडी करते हुए देखते थे। 10:30 बजे ऑफिस से उठते थे, 11 बजे पुनः कोर्ट में आकर 5 से 5:30 तक काम करते थे। इसके बाद फिर पुनः सायंकाल में ऑफिस के लिए 7:30 बजे बैठ ऑफिस में आगे काम करते थे। 10:30 बजे तक कल अपना काम पहले देखना, पक्षकार उसे चर्चा करना, ड्राफ्टिंग करना, कल की तैयारी करना, ये पूरा शेड्यूल था। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में हम उनसे कभी ज़्यादा ना तो जुड़े, ना बात करने के लिए समय होता था, ना कोई ऐसा प्रसंग मिलता था जब कोई व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा कर सके। वह भी इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने केवल ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ये पूछने के अलावा अन्य बातें पूछने के लिए ना उनके पास समय था, ना हमको समझता था। वैसे यदि अवकाश के दिवस हम उनकी कोई परेशानी बताएंगे तो पूरा वो सहयोग करते थे, उसमें कभी पूछे। कोई और विशेष बात जो आपको याद हो उनके बारे में? आपको जो सबसे पहली बात यदि आप उसमें लिखना चाहेंगे, वो हमेशा हमसे भी हमेशा ये कहते थे कि व्यक्ति यदि मेहनत करेगा तो टॉप सर्वोच्च पद उसके लिए हमेशा खाली मिलेगा। इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने भी अपने वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से काम किया और जो उनकी विचारधारा प्रारंभ से थी उसी विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और स्वयं की योग्यता से सर्वोच्च पद पर पहुँचती हुई उन्होंने न केवल गुना बाग का काम किया है, लेकिन देश में भी उनका ऐसा है जो हमेशा यादगार के रूप में जाता है। लाहोटी जिस संस्था में गए वो संस्था जो जमीन में मिल रही थी उसको उस पर आसमान पर बिठा दी। रोटरी क्लब गुना जब शुरुआत हुई कोई जानता नहीं था, लेकिन यह रोटरी क्लब 3050 हमारा जो नंबर था डिस्ट्रिक्ट का जिला, उसको सर्वश्रेष्ठ लाहोटी साहब ने बनाया। दिवाली पुस्तकालय गुना बिल्कुल कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था, मगर ये रमेश चंद्र लाहोटी थे, उन्होंने दिवाली पुस्तकालय गुना को सबसे श्रेष्ठ बना दिया। और उनके बाद कंपटीशन होने लगी दिवाली पुस्तकालय के चुनाव में लड़ने के। रोटरी क्लब ये बार एसोसिएशन गुना हम लोगों को बैठने को जगह नहीं थी, चाय पीने की बहुत अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था जिसने इस बार एसोसिएशन गुना को सर्वश्रेष्ठ कर दिया और सबसे अच्छा काम वो करने लगा। ये वो तो जिस संस्था में वो जाते थे उस संस्था को आगे बढ़ाते थे और उस संस्था का नाम हो जाया करता था। मैं आपको एक इंटरनेशनल चरखी दादरी कांड हुआ, अवैध क्रैश हुआ, रशिया का
अवैध था और उसकी इंटरनेशनल जांच हुई। उस जांच को करने वाले थे भारत के न्यायाधिपति जस्टिस आर सी लाहोटी साहब, और उन्होंने उस चरखी दादरी कांड में जो जांच की वो दूध का दूध किया, पानी का पानी हुआ, और उसके बाद वो काफी विश्व के न्यायालय में प्रसिद्ध हुए। ये उनकी बात हुआ। गुना वासक संघ तो उनका आभारी है ही। गुना अशोकनगर जिला जो कि उनके समय में एक थे, उनकी कार्यस्थली थी, उनने कर्मठता से काम किया है, वकालत के क्षेत्र में वकीलों को एक अच्छी पहचान दी है, एक ऐसा मार्गदर्शन दिखाया है कि यदि आप ऐसे वकील रहोगे तो एक अच्छे अधिवक्ता भी रहोगे और एक अच्छे न्यायाधीश भी बन सकते हो। उनके कार्य से नए अभिभाषकों में एक स्फूर्ति जागृत होती है कि नहीं, गुना का एक अभिभाषक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकता है। अच्छे उन्होंने जो चरखी दादरी कांड हुआ उसके लिए वो रूस गए थे, हमने यहाँ सुना है गंगा प्रसाद जी से, और वहाँ जब वो जांच कर रहे थे तो जिस होटल में वो रुके हुए थे वहाँ 3 दिन एक टाई सूट पहन के कोई व्यक्ति आता था और सफाई करके चला जाता था, क्योंकि वो इतना ड्रेसअप होके आता था तो उनको रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा सर मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, और उसने अपनी डिग्रियाँ बताई कि मेरे पास MSc और ये सब है और PhD है। तो बोले ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो, बोले ये मुझे तनख्वाह बहुत सारे दिनों से नहीं मिली है इसलिए मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने दिनों में सफाई करूँ। एक उनके बारे में एक कहावत है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आया, उनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ, जबकि वकील का एक ऐसा पेशा है कि एक दिन तो ठीक है, हर घड़ी उसकी ऐसी टेंशन में गुजरती है कि उसे गुस्से का तो सामना करना पड़ता है। आज वो यहाँ से चले गए, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अभिभाषक संघ और जिला जुडिशरी ने आज संयुक्त सभा रखी, शोक सभा रखी, उनको श्रद्धांजलि दी।